बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुजरात के हालात पर सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने गुजरात में हो रहे उत्तर भारतीयों पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 2014 में मोदी जी को बनारस से जिताकर प्रधानमंत्री बनाया, आज उन्हीं पर हमले हो रहे हैं। मायावती ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मांग की कि हमलावरों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि उत्तर भारतीय कोई विदेशी नहीं है। मायावती ने कांग्रेस और भाजपा के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर कहा कि ये एक दूसरे पर आरोप लगाने का मुद्दा नहीं है, उत्तर भारतीय कोई विदेशी नहीं है, हमारे देश के नागरिक हैं। मैं इस मामले पर राजनीति करने के बजाय गुजरात सरकार से अपील करती हूं कि सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। गौरतलब है कि 28 सितंबर को गुजरात के साबरकांठा जिले में 14 महीने के एक बच्ची से रेप के बाद गुजरात के कई इलाकों में उत्तर भारतीय लोगों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं। रेप के आरोप में बिहार के एक मजदूर को गिरफ्तार किए जाने के बाद से गुजरात में हिंसा भड़की हुई है, जिसके बाद सूबे के हालात लगातार खराब हैं। पूरे गुजरात में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय गुजरात से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।